सकते हो, दिस इज फॉर द राइट इंडिकेटर एंड दिस इज फॉर द लेफ्ट इंडिकेटर, बट देर इज नो हजार्ड लैम्प। एंड वन मोर थिंग अबाउट द इंडिकेटर आई वांट टू शो, आप लोग देख सकते हो इट्स लाइक अ डायनामिक स्वाइप, ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप हो रहा है लाइट, बट दैट्स नॉट सेम थिंग विद द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड नहीं है, फ्रंट साइड इज जस्ट अ ब्लिंकर, बट रियर वन इज लाइक अ डायनामिक स्वाइप, आप लोग देख सकते हो ऐसे नीचे से ऊपर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का जो है ना, यहाँ पे टॉगल करने के लिए आपको ये वाला ऊपर का मतलब अपसाइड रो का बटन प्रेस करना पड़ता है, देन यू कैन टॉगल इनटू द नोटिफिकेशन ऑन ऑल। और यहाँ पे बैक बटन है, इसको प्रेस करना पड़ता है। देन अगर आपको एप्लीकेशंस में जाना है तो यहाँ पे इसे डाउनवर्ड बटन प्रेस करना पड़ता है, फिर यहाँ पे डिस्प्ले, ब्लूटूथ सेटिंग्स वगैरह सब कुछ, व्हीकल इन्फॉर्मेशन सब कुछ इसमें आता है, प्रेस बैक टू एग्जिट। देन आपको नेविगेशन में जाना है तो यहाँ पे आपको ये वाला बटन प्रेस करना पड़ता है, देन यू गाइज कैन गो टू नेविगेशन, एंड बैक बटन अगेन यहाँ पे है। और म्यूजिक के लिए यहाँ पे बटन है, तो ये म्यूजिक कनेक्ट होता है, अगर आपको बैक आना है तो फिर उसका बटन यहाँ पे। सो ऐसा मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस, इफ यू गाइज ओन दिस व्हीकल, आप एक बार एक गाड़ी खरीद लोगे ना आपको इजी हो जाएगा, आपको आदत हो जाएगा इसके बारे में, सब कुछ आपको आने लगेगी बाद में, हाउ टू टॉगल अराउंड इफ यू गाइज यूज दिस फॉर अ व्हाइल। और यहाँ पे जो बटन है हाई बीम लो बीम के लिए, यहाँ पे बटन है, एंड दिस इज अ हॉर्न। और यहाँ पे ना ये रिवर्स का बटन है, तो ऐसे ब्रेक पकड़ के आप ऐसे रिवर्स डाल दोगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो देयर इज अ स्मॉल ब्रेक लॉक, ऐसे आपको प्रेस करके ब्रेक लॉक भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रैफिक या फिर इंक्लाइन में, एंड वापस इसको प्रेस करने के बाद ये रिलीज हो जाता है। ऐसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो बटन है ना, इसको सिंगल टाइम प्रेस करने के बाद ये सामने वाला बूट ऐसे ओपन हो जाता है। चार्जर रखने के लिए स्पेस है, यहाँ पे आप चार्जर रख सकते हो। और यहाँ पे ना एक छोटा सा एलईडी रिंग लाइट काइंड ऑफ है, और यहाँ पे चार्जर आपको यहाँ पे डाला हुआ है, चार्जर आपको नहीं मिलता हालांकि यहाँ पे डाला हुआ है, दिस इज अ डेमो व्हीकल, ऐसे चार्जर डाला हुआ है, तो आप ऐसे चार्ज भी रख सकते हो आपको मोबाइल इस तरफ यहाँ पे वर्टिकल में। एंड दिस इज अ स्लाइट लाइक अ ड्रॉवर काइंड ऑफ थिंग, इसके अंदर आपको टूल किट मिलेगा, करंटली देयर इज एलन की हियर, और यहाँ पे आप लोग फर्स्ट एड किट वगैरह रख सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रंट बूट इज कवर्ड विद दीस थिंग्स ओनली, आप यहाँ पे ज्यादा कुछ सामान नहीं रख सकते हो। अगर आप चार्जर घर पे रखोगे तो मैक्स यहाँ पे एक हाफ लीटर का बॉटल आएगा। आपको पीछे का बूट अगर एक्सेस करना है तो यू नीड टू प्रेस इट लॉन्ग, तो पीछे का ऐसा बूट स्पेस ओपन हो जाता है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ हाफ फेस हेलमेट इसके अंदर आ गया है प्रॉपरली, तो इसके अंदर आपको फुल फेस हेलमेट रखना है तो आई डोंट थिंक सो आएगा इसके अंदर। इट इज अ स्लाइट कर्व ऑल्सो, तो उसके अंदर से हेलमेट को आपको प्रॉपर शेप में प्रॉपर मतलब हेलमेट का शेप प्रॉपर इसके अंदर फिट हो जाएगा। एंड दिस इज द चार्जिंग सॉकेट, के ऊपर एक सिलिकॉन का स्ट्रैप भी है विच यू कैन कवर लाइक दिस, हो गया तो इसके अंदर और भी लाइक थोड़ा सेफ हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली पैक तो रहेगा तो और सेफ हो जाएगा, धूल वगैरह कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक एलईडी लाइट भी है, तो इवन इन द नाइट विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम व्हाइल एक्सेसिंग द बूट। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सीट, आप लोग देख सकते हो ये ऐसा गिरता नहीं है, इट होल्ड्स, तो उसकी वजह से जब भी आप ऐसे कुछ सामान रखते रहे तो आपके ऊपर गिरेगा नहीं, आपके हाथ के ऊपर वगैरह गिरेगा नहीं, तो इट इज वेरी स्टडी। ऐसे प्रेस करूंगा तो नीचे आएगा। पीछे का इसका एक्सटेंशन कितना बाहर आया है, हालांकि सीट इधर ही खत्म हो जाता है बट ये एक्सटेंशन की वजह से इसका लुक्स और भी मस्त दिख रहा है। दिस फुटरेस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देयर इज अ स्लाइट क्लिक, ऐसे क्लिक कर रहा है ना, सो दिस शोज हाउ प्रीमियम एंड हाउ टॉप नॉच क्वालिटी इज। एंड दिस ग्रैबल्स आर वेरी स्टडी एंड वेरी हार्ड, आप लोग यहाँ पर मतलब थोड़ा भी हिल नहीं रहे। ओला का देखा है, एथर का देखा है, विडा का देखा है, देर इज सम पार्ट्स विच आर शेकिंग, लाइक थोड़े बहुत पार्ट्स से लाइक हिल रहे, नो पार्ट्स आर वाइब्रेटिंग इन दिस स्कूटर, एवरीथिंग इज स्टडी एंड कम्प्लीटली बिल्ट अमेजिंगली ना। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो देर इज अ स्मार्ट डिजाइन, इसको यहाँ पे पीछे किया है और इसकी वजह से थोड़ा बहुत सामान आपको ज्यादा फिट हो सकता है। और ये जो बटन है इसको प्रेस करने के बाद इसे बाहर आता है, एंड इवन देर इज अ चेतक लोगो ऑन दिस, और दिस हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3 kg टू 4 kg तक आप डाल सकते हो, तो इसको मैं वापस प्रेस करता हूँ। टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, दिस बजाज चेतक ऑफर्स कॉम्बिक ब्रेकिंग सिस्टम वेयर फ्रंट वन इज डिस्क एंड रेयर वन इज ड्रम, तो बहुत कुछ हो गया स्कूटर के बारे में, अभी इसको चला के देखते हैं ऑन रोड हाउ इट फील, इवन दो इसका टॉर्क कम है बट देखते हैं हमारे इंडियन रोड में कैसा परफॉर्म करता है। सी यू गाइस ऑन अ रोड एंड बी कॉल्ड फॉर द अंकल्स एंड आंटीज, मेरे हिसाब से लाइक मतलब इसमें स्पोर्ट्स मोड और एको मोड दो ही है। वी गाइस वी स्टूडेंट्स वांट द रैप मोड, ये मोड वो मोड, हम लोग सोचेंगे कि इतना पैसे हम लोग पे कर रहे हैं, काय को पे कर रहे हैं, वी वांट सम अमेजिंग फीचर्स लाइक विच ओला इज ऑफरिंग 58 Nm टॉर्क, ऐसे गाड़ी खींचूंगा तो मैं ड्यूक को पीछे डालूंगा, गाना लगाऊंगा गाड़ी में, वो करूंगा ये करूंगा, डिस्प्ले में मैप आएगा, वो सब चीजें आप इसमें नहीं कर सकते। मेरे अगर बजाज से कोई देख रहा है, डोंट थिंक सो कोई देख रहा होगा, बट स्टिल इफ एनीबॉडी इज वॉचिंग दिस, मैं तो बोलता हूँ भाई वो टेक पैक निकाल दो, सब स्कूटर में सेम फीचर्स देना, उसमें सिर्फ आपको राइडिंग मोड नहीं देना है तो मत देना, TFT डिस्प्ले और वो मोड दोनों रखना, और इसका थोड़ा प्राइस कम करना, राइडिंग मोड मत देना उसमें, सिर्फ एक ही राइड देना, राइड मोड उतना ही देना और प्राइस घटा देना इसका, ये ऐसे भजियों की तरह बिकने लगेगा बॉस, इसका क्वालिटी वगैरह बहुत खतरनाक है। इंडियन कंज्यूमर्स वॉन्ट क्वालिटी, आई एग्री, बट करंटली द मार्केट इज कम्प्लीटली क्लटर्ड एंड सैचुरेटेड विद ऑल द मेनी ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, आप 25,000 से लेके 2,00,000 तक
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में करंटली, एंड देर इज वन मोर स्कूटर विच इज गोइंग टू कम इन इंडियन मार्केट, दैट इज रिवर इंडी, आई गेस रिवर इंडी आई गेस. तो इट्स एन इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कैप्चर द मार्केट. उसका टॉर्क जो है ना, आई गेस इट्स टॉर्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एथर का, विच हैज अ बूट स्पेस ऑफ 40 लीटर, आई गेस 40 लीटर कैपेसिटी का बूट है. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक स्कूटर है. तो अभी तक तो फिलहाल किधर भी नहीं देखा है मैंने वो स्कूटर, आई गेस लॉन्च भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से. तो लेट्स सी, अगर वो स्कूटर अगर मुझे चलाने के लिए मिला ना, माई फ्रेंड गोइंग टू रिव्यू इट. एंड देर इज वन मोर स्कूटर विच इज नॉट एट लॉन्च, वन दैट इज सिंपल वन. बजाज प्राइसिंग दिस बेबी इज वेरी हाई, तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी दे कैन सेल लॉट ऑफ व्हीकल्स. आई आस्क्ड द शोरूम गाय, ही सेड दैट इवन दो प्राइस इज हाई बट देर आर लॉट ऑफ सेल्स ऑन एन एवरेज पर मंथ 30-40 सेल्स जा रहा है करके बोला उन्होंने. अभी जस्ट मेरे सामने से दो एतर, एक ओला, अभी और एक एतर गया, तो तीन एतर, दो ओला और विडा भी गया मेरे सामने से हीरो का. बहुत सारे लोग पेट्रोल से भी इलेक्ट्रिक स्विच हो रहे हैं, बट स्टिल देर आर सम पीपल हु डोंट थिंक सो दैट दिस कैन बी रेवोल्यूशनरी. और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जा रहा है. देर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. फोर्स मोड पे इसका ड्रैग करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज. आप लोग देख सकते हो अभी कितना फास्ट है स्कूटर. अभी आई विल लीव द एक्सीलेटर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, फास्ट इसका ब्रेकिंग हो जाता है ना, ब्रेक भी उतना यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, इट्स ऑलमोस्ट स्टॉपिंग द व्हीकल. तो मैंने अभी साइड स्टैंड लगा दिया तो स्कूटर ऑफ हो गया. साइड स्टैंड लगाने के बाद स्कूटर ऑफ हो जाता है, या दैट्स वन थिंग. और यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि न्यूट्रल है स्कूटर, न्यूट्रल में है करके आपको यहाँ पे एक यन भी, इधर भी ऑफ कोर्स यहाँ पे आता ही है, बट इधर भी एक छोटा सा सिंबल है यन. ऑल डे रनिंग लाइट, दैट इज जीआरएल लाइट, ऐसा रिंग लाइट की तरह है, कितना मस्त लग रहा है. सैडली इसमें एक हजार्ड लैंप नहीं है. तीन दिन तक यहाँ पे रोज बारिश हुआ है, तो आज यहाँ पे धूप निकला है. गाइज वॉन्ट मी टू सजेस्ट कौन सा गाड़ी लेना है आउट ऑफ एथर, विडा, ओला, चेतक, आई क्यू. आई एम गोना मेक वन सेपरेट वीडियो फॉर दैट विच हेल्प यू टू मेक अ बाइंग डिसीजन फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर. बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोज ऑन योर प्रैक्टिकलिटी एंड योर बजट. एवरी डिफरेंट गाय हैज अ डिफरेंट ओपिनियन. अभी मेरे हिसाब से ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना चाहिए, बट नॉट इन द कार्स, नॉट इन द बाइक्स, ओनली इन द मोपेड्स एंड ई रिक्शाज. डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन लाइक मोपेड्स में चलता है यार, मोपेड्स में इतना कुछ काम नहीं रहता, जस्ट फॉर अ डेली यूज पर्पज. एंड मेजोरिटी लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग मोपेड्स इन द सिटी, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक में स्विच कर सकते हो. सो आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग इन द वीडियो, आई डिड शॉट एवरीथिंग. तो होप यू गाइज लाइक द व्लॉग, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी अबाउट द स्कूटर यू कैन जस्ट कमेंट, आई विल रिप्लाई. एंड द वन थिंग आई फॉरगॉट टू से दैट ऐसा सिंपली चार्ज कर सकते हो, देर इज नॉट मच टेक्निकलिटी. ऐसा सिंपल आप चार्ज लगा सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्मल स्विच है, तो उससे आप यहाँ पे कनेक्ट करके नॉर्मल आप इसे चार्ज कर सकते हो. देर इज वन थिंग दैट आपके घर पे अर्थिंग होना चाहिए. दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइस लाइक द व्लॉग. सो दिस इज चिदंबर अशोक साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.